पुरानी पेंशन नीति की बहाली को लेकर देश भर में कर्मचारी अब सरकार पर अपना दबाव बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। देश भर में पुरानी पेंशन नीति की बहाली को लेकर हजारों हजारों की तादाद में जिला मुख्यालयों पर कर्मचारियों का विरोध देखने को मिला। तस्वीरें हिसार की आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, किस तरीके से बड़ी तादाद में हिसार की सड़कों पर उतरे बेताशा गर्मी के बीच ये हजारों की तादाद में सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन नीति की बहाली को लेकर हिसार की सड़कों पर उतरे हैं। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से रेहड़ी यहाँ पर लगाई गई है, रेहड़ी लगाकर ये जताने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है कि पुरानी पेंशन नीति को अगर लागू नहीं किया गया तो नई पेंशन नीति के तहत इस तरीके से रिटायर्ड कर्मचारियों को रेहड़ी लगाने को मजबूर होना पड़ सकता है। मुझे ये बताइए कि किस तरीके से ये विरोध प्रदर्शन आज किया जा रहा है, हजारों की तादाद में देश भर में कर्मचारी सड़कों पर उतरे। आज पूरे भारतवर्ष के अंदर ओपीएस के तत्वाधान में प्रत्येक जिला मुख्यालय पर हम पेंशन आक्रोश मार्च प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रत्येक भारत का प्रत्येक कर्मचारी, सभी सरकारी विभाग बोर्ड निगमों का कर्मचारी आज पुरानी पेंशन की मांग के लिए सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर है। और अगर ये सरकार नहीं मानती है तो हम जून के अंदर हमारी ओपीएस संकल्प साइकिल यात्रा चलेगी हरियाणा के अंदर, जो नांगल चौधरी से चलकर प्रत्येक जिले से होती हुई हम जून के लास्ट में राज्यपाल को ज्ञापन दे करके उसका समापन करेंगे। उसके बाद भी हरियाणा सरकार नहीं चेतती है या भारत सरकार नहीं चेतती है तो 2024 के इलेक्शन को प्रभावित करने के लिए 1 अक्टूबर 2023 को पेंशन शंखनाद रैली का आयोजन हम दिल्ली के अंदर विजय बंधु जी के नेतृत्व में करने वाले हैं। और निश्चित रूप से खुली चेतावनी सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को है कि या तो समय रहते सद्बुद्धि का प्रयोग करें, हमारी पेंशन हमारी सोशल रिस्पेक्ट हमें लौटा दें, अन्यथा 2024 के इलेक्शन में स्पष्ट रूप से विपक्ष मजबूत सत्ता से राजनीतिक पार्टी को वोट की चोट के साथ हम इस पार्टी को बाहर करेंगे, दूसरी पार्टी को सत्ता पर काबिज करने का काम करेंगे और इनके गले की फांस ओपीएस बनने वाली है। हिसार में ये विरोध किस तरीके से दर्ज हिसार में ये जो रोष है एक आक्रोश रैली के रूप में दर्ज कराया गया। सभी कर्मचारी, सभी विभागों कर्मचारी आज सड़कों पर उतर चुके हैं सरकारी गर्भ नीतियों के खिलाफ, जो कि एनपीएस के रूप में हमें भुगतनी पड़ रही है। ये रेहड़ी यहाँ पर प्रदर्शित की जा रही है, रेहड़ी दिखाने का आखिर मकसद क्या है? सर रेहड़ी का मकसद क्या है कि जो अब हमारे जो एनपीएस कर्मचारी है, आपको अगर उनको पता हो तो हमारे जो रिटायर्ड कर्मचारी है उनको 400, 700, 800 रुपए पेंशन मिल रही है, जो बुढ़ापा पेंशन से भी कम है। इस हालात में बेचारा क्या करेगा, रेहड़ी लगाएगा, चाहेगा ढाबा खोलेगा, कोई अपना पकौड़ा चलेगा, ये काम तो करना कोई ना कोई करना पड़ेगा सर उन्हें। ये बेहद गुस्से में यहाँ पर कर्मचारी नजर आ रहे हैं, साफ तौर से बात कही जा रही है कि पुरानी पेंशन नीति की बात किसी भी सत्ता